असलम वरह वक्त नादर इसकबाल है फ़िक्र खबर स्टूडियो में मैं रजवान अहमद नदवी मुल्क के और खबरों के साथ तो नादरिन बढ़ते हैं ख़बरों की तफसीत की तरफ इतहाद मिलत कौंसिल के कौमी सदर मौलाना तो़ी रजा ख़ान ने मुल्क के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए पंद्रह मार्च से दहली के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है मुल्क में भाईचारे के फ़रू की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने मुल्क भर के मुसलमानों से अपील की है वो बरेली से निकलने वाली इस यात्रा में शरीक हों, जिसके दिल्ली पहुंचने के बाद 20 मार्च को सदर जमहूरिया द्रौपदी मर्मू को मेमोरेंडम दिया जाएगा उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के मुतालबों की मजम्मत करते हुए हुकूमत को ऐसे अनासर के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की भी वो की मांग की उन्होंने कहा कि सभी आपसी भाईचारे में यकीन रखते हैं लेकिन कुछ तनजीमें मुल्क में नफ़रत फैलाने का काम कर रही हैं जिसके लिए हर मुल्क के बाशिंदे को उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी नफरत को परोसने वालों के खिलाफ मिलकर खड़े हों एक तरफ मुसलमान भाईचारे को फ़रो देने की बातें कर रहे हैं तो दूसरी जानब हिंदुत्व तंजीमों की जानब से रोज़ ऐसे कुछ प्रोग्राम मुनद किए जा रहे हैं जिससे कि मुल्क में जो है वो नफरत का माहौल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इतवार को मुंबई के करीब हिंदुत्व तंजीमों की जानब से मुनद एक रैली के दौरान मुसलमानों के माशी बायकॉट की कॉल दी गई है हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का एहतमाम साकल हिंदू समाज ने किया था जो कि महाराष्ट्र में कई हिंदुत्व तंजीमों का मजमू है मुसलमानों के माशी बायकॉट के मुालबे के अलावा रैली के कुछ ने लव जहाद लैंड जहाद के ख़िलाफ़ भी बात की लव जहाद लैंड जहाद और तब्दीली मजहब की बात करते हुए रैली के मुकरन में से एक काजल हिंदुस्तानी ने इल्ज़ाम लगाया कि इन तीनों के लिए राम की क्यादत में एक हल है एक ऐसा हल है जिसके लिए आपको सियासी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट या मीडिया भी नहीं रोक सकता और वो हल उनका माशी बायकॉट है वैसे हम सभी जानते हैं कि लव जहाद हो लैंड जहाद इस तरह के जो अल्फाज हैं वो सिर्फ एक साजिशी थियरी हैं वहीं रैली में जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों बशमूल एम एल ए राणे और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी के क्यारकान ने भी शिरकत की थी ये रैली इस तरह की बहुत सारी रैलियों का हिस्सा है जो कि नवंबर से महाराष्ट्र में मुनद की जा रही हैं तकरीबन सभी में मुक्रीन ने मुसलमानों के खिलाफ तशद्द पर जोर दिया है या कम्यूनिटी के बारे में साजिशी नज़रियात पेश किए हैं फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत से भी कहा था कि वो उस शर्त पर ही ग्रुप की रैली को इजाजत दें कि वहाँ कोई नफरत अंगेज तकरीर नहीं की जाएगी लेकिन हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतों को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत हो या पुलिस हो वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही वहीं हजूमी तशद के ख़िलाफ़ झारखंड असम्बली ने इक्कीस दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को जो मसौदा कानून पास किया था वो पंद्रह माह बाद भी गवर्नर के दस्तखत का मंतजर है मुल्क में हजूमी तशद के वाक़ बढ़ते जा रहे हैं जिस तरह के हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हजूमी तशद के वाक़ बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त कहा हाल था कि झारखंड में भी इस तरह के वाक़ात में इजाफा हो जा होता जा रहा था तो इस दौरान झारखंड सरकार ने एक क़ानून मंजूर कर लिया था जिसमें कि खातियों के ख़िलाफ़ सख्त सज़ा का इंतजाम किया गया था मस्कूर मुसवदा कानून के मुताबिक किसी शख्स पर दो या उससे ज़्यादा अफराद के हमले को हजूमी तशद तस्वूर किया जाएगा इस तरह की बातें थी और जिसके मुताबिक जो है उसकी सज़ा उम्र कैद से लेकर पच्चीस लाख रुपए जुर्माना था वहीं बिल पर उस वक्त के गवर्नर ने यह कहकर दस्तखत से इनकार कर दिया था कि इसमें हजूमी तशद की वजाहत मौजूद नहीं है वजहरत की बात यह है कि जो कवानी इंतजार का सबब बनते हैं जिनके खिलाफ तहरीकें चलती हैं ऐसे कवानीन पर गवर्नर धड़ल्ले से दस्तखत कर देते हैं लेकिन बात जब अकलीतों के तहफ़ की होती है तो फिर ऐसे क़ानून से गवर्नरों को इख्तिलाफ हो जाता है और वो उस पर दस्तखत करने से इनकार कर देते हैं गुजत रोज वजर मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे जहाँ उन्होंने कई तरक्याती कामों का अफ्ताह किया वजे अजम का शानदार इस्कबाल भी किया गया इस दौरान वजी अजम मोदी ने वहाँ अपनी तकरीर भी की और यह कर्नाटक असम्बली इंतबाब से उनका ये कर्नाटक का ये छठा दौरा था इस दौरान वजी अजम ने कई अपने रैली में कई ऐसी बातें कहीं जो कि बतौर वजीरम उनको जेब नहीं देती वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस और उसकी इतिहादी पार्टियां उनकी कब्र खोदने का ख्वाब देख रही हैं, लेकिन मुल्क की करोड़ों मां बहनों की दुआएं उनके लिए हिफाजती घेरा है कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बीजी है और मोदी बेंगलुरुम ने लंदन में बीजेपी के आवाम की तोहन करार दिया और कहा कि कर्नाटक को ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है वही अब कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने वजी आजम मोदी पर जवाबी हमला किया है और पूछा कि की मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करना मुल्क पर तनकीद कब से हो गया है नौ साल आपने गंवा दिए इस देश के इस देश के बुजुर्गों को पूर्वजों को गाली देकर तीन तीन पीढ़ियों का अपमान करते हैं जब आप बोलते हो सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते थप हैं अपनी एक अकेला सब पर भारी विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो विदेश के मीडिया पर रेट डालते हो तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है और कैम्ब्रिज के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है आपको नहीं समझ में आ रही है बात प्रधानमंत्री जी कुछ गलत फहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं आप भगवान नहीं हैं आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता यह गलत फहमियां अपने मन से निकाल लीजिए और अगर आपको देश की छवि की ज्यादा चिंता है या अपनी छवि की बहुत ज्यादा चिंता है तो ये समझ लीजिए कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा मुल्क में अपोजिशन जमातों पर जांच एजेंसियों का जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उससे हर कोई फिक्रमंद नजर आ रहा है अब आरजेडी लीडर शिवानंद तिवारी ने मुतनबे किया है कि अगर मोदी अगले लोकसभा इंतबात के बाद फिर से हुकूमत बनाते हैं तो जमहूरियत को दफन करने में वो जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे तिवारी ने दरअसल ये तबसरा तेजस्वी यादव को सीबीआई के ज़रिए पूछताछ के लिए तलब किए जाने के बाद किया है उन्होंने सवाल किया कि जो हुकूमत अडानी मामले की मुश्तरक पार्लिमानी जाँच कराने के लिए तैयार नहीं है उसे अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सरकारी तफ्तीश एजेंसियों का खुलेआम इस्तेमाल करने में कोई छिचाहट क्यों नहीं है उन्होंने इसे लालू ख़ानदान के बजाय जमहूरियत के लिए संगीन चैलेंज करार दिया बता दें कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि उससे कबल आर जे डी के कई रहनमाओं के खिलाफ और उससे कबल कांग्रेस से रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी छत्तीसगढ़ में छापामार कार्रवाई की गई थी ईडी उनके घरों पर और उनके करीबियों के मकाना पर पहुंची थी वहीं तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता को भी जांच एजेंसी उन्हें पूछ के पूछताछ के लिए तलब किया था और इससे कबल आम आदमी पार्टी के दो वजरा को भी जेल भेज दिया गया है और जाँच एजेंसियाँ लगातार ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही हैं जिसके बाद अपोजिशन जमातों का ये इल्ज़ाम जो है वो साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो हुकूमत की स्क्रिप्ट पर ही काम कर रही हैं तो पढ़ते आलमी ख़बरों की तरफ यूक्रेन रूस जंग की शिदत बदस्तूर बरकरार है यूक्रेन ने रूस के दो सौ से जायद फौजियों को मारने का दावा किया है फरी़ैन के दरमियान रूस के जेर तसलु शहर डोनबास के एक, एक इलाके बागमूत में घमासान की जंग जारी है मुखालफन फौजी आमने सामने हैं और इलाके के कब्जे के लिए जंग शिदत इख्तियार कर रही है दोनों मालिक की जानब से मुतद दावे भी सामने आ रहे हैं यूक्रेनी दावे पर रूस ने हालांकि कोई तबसरा नहीं किया है जबकि यूक्रेन के सदर व्लादमी जेलेंस्की का कहना है कि गुज्त चंद दिनों में एक हज़ार एक सौ से ज़्यादा फ्रंट लाइन रूसी फौजी बाखमूत के लिए लड़ते हुए मारे गए हैं और तकरीबन पंद्रह सौ रूसी फौजी इतने ज़ख्मी हैं कि वो लड़ने के भी काबिल नहीं बचे हैं दूसरी जानब रूस की वजारत दिफाक का कहना है कि एतवार तक चौबीस घंटों के अंदर दो सौ बीस से ज़्यादा यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं वो ईरान के दारकमत तहरान और दीगर शहरों में स्कूली तालबात को मुबैना तौर पर जहर देने में मुलव ग्यारह सौ से जायद मुलजमान को गिरफ़्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के आखिर से इन केसेस की लहर में इजाफा हुआ है जहां स्कूलों की तालिबात को स्कूलों के अहाते में नाखुशगवार बदबू के बाद बेहोशी मतली सांस लेने में तकलीफ और दीकर आलाम का सामना करना पड़ा था जिनमें से कुछ का अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है वजारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जिनका मकसद लोगों और तलबा में दहशत फैला कर को बंद करना है वजारत दाखिला का के कहना है कि खुशस्मती से निसफ़ हफ़्ते तक आज से आज तक स्कूल में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़ात में कमी आई है और बीमार तलबा की कोई रिपोर्ट नहीं है वहीं सरकारी अदाद के मुताबिक ईरान के इकतीस सूबों में से पच्चीस में से तकरीबन दो सौ तीस स्कूलों में पाँच हज़ार से जायद तलबा जो है वो इससे मुतासर हुए हैं वहीं ईरान भर में स्कूल तालबात में गुजत तीन माह के दौरान जो है वो सांस की तकलीफ़ के सैकड़ों वाक़ रिपोर्ट हुए थे जिसके बाद उस गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा था और चीन ने अब एक ऐसा फैसला कर लिया है जिससे अब अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है 2018 में अमेरिका ने जिस चीनी जनरल पर पाबंदी आयद कर दी थी अब उसे चीन का वजीर दिफा मुकर कर दिया गया है मुल्क के मक्रिना ने मुतफ़ा तौर पर पीपल्स लिब्रेशन आर्मी के जददकारी मुहिम के तहत एक तजुबेकार जनरल ली शांगफू को मुल्क के नए वजीर दिफा के तौर पर तकररी की तोसीक़ कर दी है जबकि सबक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ाम ने रूसी हथियारों की खरीदारी के इल्ज़ाम में ली शांग और चीन के आलात की तरक्की के महकमे पर पाबंदी आयद कर दी थी तो नाजन नती खबरें मजीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट फिक्रोर डॉट कॉम की तरफ रुख कर सकते हैं वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तो नाजन दिन असल वरि व